इंदौर के प्रजापत नगर में जहां बेटी की विदाई के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्ष के कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए MY अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर का है। यहां बेटी की विदाई के बाद पड़ोस में रहने वाले एक परिवार ने चाकू डंडों से हमला कर दिया। दोनों ही पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सिमरिया परिवार अपनी बेटी की शादी में विदाई कर रहा था, जिसके बाद विदाई समारोह समाप्त होते ही पास में रहने वाले नामदेव परिवार के अरुण और अंकुश ने डंडों चाकू से हमला कर दिया। दोनों ही परिवार में खूनी संघर्ष में कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला पुराने रंजिश को लेकर था, जहां दुल्हन ने छेड़छाड़ के मामले में पूर्व में अंकुश और उसके भाई पर प्रकरण दर्ज कराया था। दुल्हन की विदाई के बाद खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। मेरे यहाँ से 4 जनों को लगी, मेरी मम्मी को, मेरे दोनों भाइयों को और मेरी मासी के लड़के को। एक का नाम पंकज धाम के, एक का नाम मोहन धाम के और एक का नाम विकास सिंधे और लक्ष्मी धाम के। मम्मी मेरी 4 जनों को लगी। वो हमारे पड़ोसी है, रोड पे घर है उनका और उनका है ना, वो है ना पास में रहते हैं। ऐसे कभी कभी छेड़ते भी थे और ऐसे जाने कुछ कुछ बोलते हैं। जैसे रोड पे मैं बैठ गई, मेरी तबीयत खराब रहती थी तो मैं कभी रोड पे चले जाऊँ कुछ कर लूँ तो बस बोलते थे। जैसे मेरा भी सगाई हो गई थी पहले तो मैं बात करती रहती हूँ, ये तो ऐसी है वैसी है, जाने कुछ कुछ आए दिन बोल। हाँ, FIR करो। मेरे को पहले ना मारा था, मेरे पास सबूत भी है, यहाँ पे वीडियो भी बना हुआ है। सब्बल उब्बल मारी थी मुझे, इधर लगी मेरी मम्मी को, मेरे भाई दोनों भाइयों का सिर फोड़ दिया था, मम्मी को भी लगी थी, सिर फोड़ दिया था। हाँ, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। आज मेरी यहाँ प्रजापत नगर में थी और बारात इधर से आई थी, ये शांति नगर के इधर से। मेरा नाम भारती, अभी गोयल सर ने मम्मी है मेरी। दूसरे पक्ष से उनका पुराना कोई झगड़ा था, अब झगड़े की अपन कारण पता करेंगे उसमें कि कारण क्या है झगड़े का, और दोनों में बीच में लट्ठों से मारपीट हुई है और चाकूबाजी की भी घटना हुई है, जिसमें एक महिला को चोट आई है और उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। उनकी रिपोर्ट हमने दर्ज कर ली है अभी फिलहाल में। दोनों तरफ से 3-3 लोग घायल हुए हैं, जिनको हमने मेडिकल किया। ये प्रजापत नगर की घटना है। कौन सा परिवार? एक सेमलिया परिवार है और एक मोयदे कामदे कुछ परिवार है, उनका नाम है। प्रजापत नगर में अड़ोस पड़ोस का ही मामला है और 2-3 घर छोड़ के एक दूसरे का घर है उनका, दोनों पक्षों में परिवार है। नहीं, ऐसी वो घटना बता रहे हैं, दोनों ही परिवार एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जिसकी जो अभी विवेचना में लिया जाएगा, क्या है विवेचना का पार्ट, वो विवेचना में लिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर सरिता सिंह, थाना द्वारका पुलिस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।